नमस्कार पेरेंट्स पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको तरीके बताएंगे कि कैसे बच्चों को इंग्लिश अल्फाबेट्स ए टू जेड कैसे लिखवाएं, राइटिंग में कैसे उसको हेल्प करें बच्चे को। तो आज हम वी विल बी डूइंग 14 लेटर्स, टोटल 26 हैं। आज के वीडियो में इस चीज़ को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के वीडियो में वील बी डूइंग 14 लेटर्स और जो बाकी 12 बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नाउ पहली बात ये है कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स की राइटिंग करवाते हैं सो हम ए बी सी डी ग्रेडियंट फॉलो नहीं करते कि पहले ए लिखवाएंगे फिर बी लिखवाएंगे, ऐसा नहीं करते। अगर जो सबसे इजी होता है दोज आर प्री राइटिंग में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल्स, राइट? तो लाइंस मारना, स्ट्रेट लाइंस मारना और सर्कल्स मारना अगर आपके बच्चे को आता है तो फिर ये जो पहले 14 लेटर्स हम टारगेट करते हैं ये आपका बच्चा लिख पाएगा। अगर आपके बच्चे में अभी ये स्किल नहीं डेवलप हुआ है, अभी लाइंस और सर्कल्स भी नहीं कर पा रहा है, तो कैसे सिखाना है उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। उस पर एक अलग वीडियो बनाया है, राइट, कि कहाँ से शुरुआत करें, राइट? अब बच्चे को लाइंस ड्रॉ करना आता है, बच्चा स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकता है, बच्चे को पता है कि अगर माने एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे मारा है तो मुझे वहां पे रुकना है, वो रुकने का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। लाइंस मार रहे हैं तो बस मारते जा रहे हैं, नहीं, अगर माने नीचे एक डॉट मारा है तो वहां पे मुझे रुकना है। स्लीपिंग मार रहे हैं तो माने यहाँ डॉट लगाया है तो वहां पे रुक जाना है, ये कॉन्सेप्ट भी बच्चे को सिखाना है। कैसे सिखाना है उसका लिंक आपके पास मैं दे रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक पूरा वीडियो है इस पे। सो अगर ये बच्चा कर पा रहा है, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर पा रहा है, डॉट टू डॉट समझ पा रहा है और सर्कल्स बना पा रहा है, तो पहले हम वो अल्फाबेट्स टारगेट करते हैं जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बन जाएं। जैसे जो पहले चार होते हैं दे आर एल टी आई एच, बिल्कुल सिंपल, ई एफ, ये छह अल्फाबेट्स एल टी आई एच ई एफ इस ही ऑर्डर में सिखाते हैं, ठीक है? फिर इसमें सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस हैं। फिर आ जाते हैं हमारे स्लांटिंग लाइंस, उसमें ए वी एक्स वाई एम एन, नेक्स्ट सिक्स ये लेते हैं विच इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्लांटिंग लाइंस एंड स्टैंडिंग लाइंस के मिक्सचर से ये बनते हैं, राइट? सो पहले छह हैं एल टी आई एच ई एफ, देन ए वी एम एन एक्स वाई, एक नोटबुक लिख के नोट कर लीजिए। एंड उसके बाद ओ विच इज अ सिंगल सर्कल एंड क्यू। तो ये 14 लेटर्स कैसे सिखाने हैं आज हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ओके? अब जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना लिखना, चाहे आप एक बड़ी स्लेट में ही सिखा रहे हैं, हमेशा एक बॉक्स बनाइए बच्चे के लिए। बॉक्स होना चाहिए, उसमें लेटर कहाँ रेस्ट करेगा, आप चाहिए तो ये लास्ट लाइन को भी यूज कर सकते हैं या इसमें डॉट्स क्लियरली दिखें, इसलिए मैंने अलग एक बेस बनाया है लेटर्स के लिए। आप डायरेक्टली अपने डब्बे के बॉटम को भी यूज कर सकते हैं, राइट? हमेशा बॉक्स बनाइए। बच्चे कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो ठीक है, बड़ा बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर लिखेगा और फिर धीरे 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 वो बॉक्स का साइज छोटा करते जाएंगे, राइट? कुछ बच्चों को आप बॉक्स बना दो फिर भी दे गो आउट ऑफ इट, उनको फिर भी वो प्रपोर्शंस नहीं समझ आते, तो आप एक आइसक्रीम स्टिक लेके या थोड़ा आटा लेके, आटा गूंदा हुआ आटा लेके उससे बॉर्डर बना दीजिए। ये जो बॉक्स का बॉर्डर है आप एक 3D
कर दीजिए, 3D क्रिएट कर दीजिए, ताकि बच्चा फील भी कर पाए कि अच्छा यहाँ इसके नीचे मेरी चॉक या मेरा पेन या मेरा क्रेयॉन जा नहीं रहा है ना। सो हमेशा बॉक्स बनाएंगे और डॉट्स देंगे, ठीक है, दिस इज ऑलवेज नीडेड। और बॉक्स का साइज धीरे 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 छोटा करते जाएंगे, और जब एक ऑप्टिमम साइज पे आ जाता है, जो एक नॉर्मल नोटबुक का लाइंस का साइज पे आपका बच्चा लिख पाता है बॉक्स के अंदर, फिर वो बॉक्स हटा देते हैं और सिर्फ डॉट्स रहने देते हैं। और फाइनली वो डॉट्स भी धीरे धीरे कम, जो नीचे के डॉट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, और सिर्फ ऊपर के डॉट्स रहने देते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रपोर्शंस बच्चे के कम होके अप्रोप्रिएट होते हैं। इसको साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है बच्चे को सही साइज का लिखना। लिखना बच्चा सीख लेता है, लेकिन उसको अप्रोप्रिएटली लिखना कि वो एक नीट लाइन पे आए, उसको समय लगता है, राइट? तो बहुत समय तक हम डब्बे डब्बे बनाते रहते हैं, बॉक्सेस बनाते रहते हैं। इवन उन बच्चों के लिए भी जो अभी सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, सेंटेंसेस लिख रहे हैं, तो व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज वीर, तो माय का छोटा डब्बा, नेम का बड़ा, फिर इज का छोटा, वीर का बड़ा, ऐसे उनके क्लास वर्क नोटबुक्स बनती हैं। सो दैट एफर्ट द मदर हैज टू पुट इन, उसमें कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है, देयर इज नो अदर शॉर्टकट टू इट, राइट? सो अभी हम शुरू कर रहे हैं, बच्चे को हम बॉक्स बना के देंगे और बच्चे को हम डॉट्स बना के देंगे, राइट? हर अल्फाबेट के साथ हम एक एक्शन एसोसिएट करते हैं। इट इज नॉट एल लिखो, नो, इट इज लिखो एल ला 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 ला, तुम भी बनाओ तो बच्चा भी बनाएगा, ठीक है, जो भी फिगर है, टी ट, तो बच्चा करेगा। सो दैट फिजिकल विजुअल प्रॉम्प्ट जो बच्चे को मिल रहा है, बच्चा खुद भी कर रहा है। इट हैपन्स कि थोड़े समय में बच्चा, आप तो वो सामने से बोल देगा टीट, आप एल, इतना वो बच्चे को कंठस्थ करा देते हैं। सो एवरी लेटर, जो 14 लेटर्स मैं आज कराऊंगी, मैं सबका एक्शन कैसे करते हैं और साउंड, तो वो आप भी करेंगे, राइट? नाउ एल के हम 3 डॉट्स बनाएंगे। इट इज अ सिंपल स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन, राइट? एल एल ल लायन। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा वो उसमें कंफ्यूज हो रहा है विथ ऑल द अल्फाबेट्स, तो इफ नीडेड आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पे एक लायन बना दीजिए। आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, हम एट अ टाइम, मैं आपको 14 का डेमो दे रही हूँ, बट आप जब बच्चे का शुरू करेंगे तो 3 ही शुरू करेंगे, LTI, तो एल के साथ लायन बना दीजिए, बच्चा लायन से एसोसिएट करना शुरू कर देगा। कुछ तो हमको बच्चे को प्रॉम्प्ट देना है, फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, पूरी फोटो ही बना दी लायन की या लैम्प की, जो भी बच्चे ने वो आपने सिखाया है, विजुअल प्रॉम्प्ट, किसी से तो बच्चा उस अल्फाबेट को एसोसिएट कर ले। तो इफ नीडेड प्लीज गो अहेड एंड मेक अ लायन फॉर योर चाइल्ड, राइट? सो जिस तरीके से बच्चा सीख जाए, ओके, एल ल लायन, राइट? नेक्स्ट एल के बाद आएगा टी, तो द स्ट्रोक विल बी पहला स्लीपिंग देन स्टैंडिंग। सो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये बेस बना हुआ है, बच्चे को पता होना चाहिए रुकना कहाँ है। टी ट ट ट ट टी ट, 10, या इफ आपने कुछ और सिखाया है, टी ट टॉर्टॉइस, टी ट ट्रेन, टी ट ट्रीज, वॉट एवर इट इज नीडेड, उसका फोटो बना दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट आई ई, आई ई, आइसक्रीम कैसे खाते हैं, आई ई आइसक्रीम, हाउ इज द स्ट्रोक, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आई आई ई, दिस इज द एक्शन।
इफ नीडेड, आपको लग रहा है जरूरत है मेरे बच्चे को, मैं अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम बना दूंगी। ठीक है, बड़ा बड़ा बनाइए, मैं तो एक डेमो फॉर्मेट में छोटा बना रही हूँ, बड़ा बड़ा एक पेज का आइसक्रीम बनाइए, इस पेज पे आई, इस पेज पे बड़ा आइसक्रीम इन अ नोटबुक। ओके, नेक्स्ट एच, एच एच हाउस, एच हाउस। ओके, उसका स्ट्रोक कैसा रहेगा? स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एच। ओके, देन ई, ई सेज ए, ई ए, आईज, या ई ए, एलिफेंट, एलिफेंट बन जाओ। प्रॉम्प्ट्स, लॉट ऑफ प्रॉम्प्ट्स अवर चिल्ड्रन नीड टू रिमेंबर एंड देन प्रोड्यूस, ई ए, एलिफेंट। ओके, सो ई कैसे लिखेंगे? इट विल बी अ स्टैंडिंग लाइन, वन टू थ्री, तीन डॉट्स दिए बच्चे को, वन टू थ्री ई। ओके, एंड जो छठवा है इस सीरीज में, दैट इज एफ, फ, एफ, फ, एफ, फिश, या एफ, फ, फिंगर्स, शो मी योर फिंगर्स। ओके, कैसे लिखेंगी? स्टैंडिंग लाइन, वन टू एफ। ओके, सो दीज आर द सिक्स लेटर्स जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनी है। ओके, ये हमारा पहला छह लेटर्स होता है, इसमें भी एट अ टाइम हम तीन तीन ही लेते हैं, पूरे छह एक साथ नहीं चलाएंगे। एल टी आई, बच्चे को उसमें से दो दो आइडेंटिफाई भी कर रहा है, बच्चा लिख पा रहा है, नेक्स्ट सेट। ठीक है, तो इस तरह से डिपेंडिंग कि बच्चा कितना जल्दी कोप कर पा रहा है, आप नंबर ऑफ अल्फाबेट्स एक टाइम पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे स्लांटिंग लाइन वाले अल्फाबेट्स। स्लांटिंग में हम सबसे पहले लेते हैं ए, ए सेज, ए क्या बोलता है? ए, ए, एप्पल। सो इसमें तीन डॉट्स हैं, एक ऊपर दो नीचे, ए। ठीक है, दो स्लांटिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, ए, एप्पल। ओके, देन वी, वी, व, 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 वी, व, वैन। वैन कैसे चलती है? स्लो, फास्ट। दीज आर ऑल क्यूज टू हेल्प द चाइल्ड, प्रॉम्प्ट्स हैं बच्चे को रिटेन करके, याद करके लिखवाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो वी, वी कैसे लिखेंगे? इट विल बी वन वन गो, हाँ, यू कैन टेक इट इन टू गोज ऑल्सो, वन स्लांटिंग ऊपर से नीचे, वी। ओके, देन एक्स, नेक्स्ट इज एक्स, एक्स, एक्स बना लो हाथ से, एक्स, एक्स रे, या एक्स, एक्समस ट्री। एक्स का कैसे है? इट इज स्लांटिंग लाइन, कट। कभी कभी इसमें हमें एक एक्स्ट्रा डॉट देना पड़ता है, बच्चे के स्लांटिंग लाइन बनाने के बाद बच्चा ये स्लांटिंग लाइन बना लिया, ये स्लांटिंग लाइन बना लिया, उसके बाद हम यहां पे एक डॉट दे देते हैं कि चलो अब इसको भी काट दो, काट। ठीक है, एक्स। नेक्स्ट इज वाई, य, वाई, य, य का एक्शन वाई, हाथ से लिखते हैं, वाई, य, येलो, वायर, विच कलर? येलो।
वाई हम वी के जैसा ही बनाते हैं, देख लीजिए इसका डॉट वी बनाएगा बच्चा एंड देन उसको स्टैंडिंग लाइन, राइट? सो दिस इज वाई येलो. ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद एम. एम मंकी के जैसे करो, मंकी. एम मंकी. अब एम कैसे बनाना है? स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. फिर यहां पे बच्चा खुद डॉट डालेगा, हम नहीं डालेंगे या हम हाथ पकड़ के चलो डलवा देंगे, बट अल्टीमेटली बच्चा खुद डालेगा. स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, डॉट और दिस इज हाउ एम वी टीच. ओके, सो एम मंकी. नेक्स्ट एन न नोज. एन न न टच योर नोज, न नोज. एन कैसे बनाएंगे? दो स्टैंडिंग लाइन एंड इसको और इसको थोड़ा मोटा कर दीजिए, जॉय. ठीक है, एन. सो ये हो गए हमारे वो पहले 12 लेटर्स जो हम सिखाते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, चाहे वो स्टैंडिंग हो, स्लीपिंग हो, स्लांटिंग हो. दीज आर द फर्स्ट 12. नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दो और लेंगे, दैट इज ओ एंड क्यू. सो ओ इज ओ ओ ओ ओ ऑरेंज. ओ कैसे बनाएंगे? सिंपल डॉट, वन सिंगल डॉट, और बच्चा सर्कल्स बना रहा है तो ही विल मेक अ सर्कल. ओके, ओ ओ ऑरेंज, राइट? एंड लास्ट आज के लिए रहेगा क्यू. क्यू क्यू क्या बोलता है? क्यू सेज क्वा. क्यू क्वा क्वीन. क्यू क्व ओ में डंडी लगाते ना, सो क्यू क्व क्वीन. कैसे लिखेंगे? ओ बनाओ और उसका पेट काट दो. क्यू ओ बना के पेट काटो, क्यू. सो दीज आर द 14 लेटर्स जो फर्स्ट 14 जो सिखाते हैं इस ग्रेडियंट में, राइट? और एक साथ शुरू बिल्कुल भी नहीं करते, 3 लेटर्स एट अ टाइम. सो एज वी टेक 3-3 लेटर्स, समझ लीजिए जब हमने शुरू किया तो हमने एल टी आई बच्चे को प्रैक्टिस कराया. अब कैसे चेक करेंगे? ऐसा एक आइडेंटिफाई सर्कल एंड राइट का वर्कशीट बना लेंगे. चलो टेल मी कहाँ है एल? लायन. देखिए अल्फाबेट के साथ लायन भी बना दिया है. टीटर ट्री, आई ई आइसक्रीम, जो भी आप सिखा रहे हैं. तो बच्चा एल ना भी आइडेंटिफाई करे, एटलीस्ट वो लायन तो आइडेंटिफाई करेगा, कहीं तो शुरुआत होगी हमारी. सो उसने आइडेंटिफाई किया, बच्चे ने पॉइंट किया, तो उसको बोलेंगे आप सर्कल करो. चलो सर्कल एल, तो बच्चा एल सर्कल करेगा एंड राइट इट. चलो लिख दो, राइट? अब आई ई आइसक्रीम कहाँ है? अगेन चाइल्ड विल सर्कल राइट. टी ट्री का है, ट्री ग्रीन ग्रीन टी ट्री, तो बच्चा फिर उसको सर्कल करके राइट करेगा, राइट? सो इस तरह से भी आइडेंटिफाई कितना कर पा रहा है. मैचिंग करवाते हैं कि एल टी आई, तो इधर लायन आइसक्रीम और ट्री बना दिया, तो बच्चा करेक्ट अल्फाबेट से करेक्ट पिक्चर मैच करेगा. ये हो गया तो पिक्चर बना के दे दिया बच्चे को, लायन बना दिया तो बच्चा उसके सामने एल लिखेगा. और लास्ट लास्ट होता है कि हमने एल बना दिया और बच्चा लायन बनाएगा. तो ये 4 स्टेप्स में कराते हैं. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड सर्कल इस तरीके से, सेकेंड इज मैच, थर्ड इज हमने पिक्चर बना दी, हमने आइसक्रीम बनाया तो बच्चा सामने आई लिखेगा, एंड द फोर्थ इज कि हमने आई लिखा
और बच्चा उसके सामने उसका एसोसिएटेड डायग्राम बनाएगा, आइसक्रीम, इंक पॉट, जो भी आपने सिखाया, राइट। सो दिस इज हाउ बच्चे का अल्फाबेट रिकॉग्निशन, राइटिंग स्किल्स, वोकैबुलरी बिल्डिंग, आप जितने वर्ड्स सिखा दो, आप एल से लायन सिखा दो, लैम्प सिखा दो, लॉलीपॉप सिखा दो, यू आर बिल्डिंग अप ऑन द चाइल्ड्स वोकैबुलरी, है ना। सो दिस इज हाउ वी टेक देयर राइटिंग। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड वेरी सून आई विल कम अप विद द सेकेंड वीडियो, राइट। सो प्लीज ट्राई दिस विथ योर चिल्ड्रन। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी लेट अस नो, सेंड अस योर फीडबैक, शेयर द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजय भव, तथा अस्तु, नमस्कार।